बाबा जी, जय माता की। जय माता जी बेटा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री श्री 108 गणेशगिरी लोटन बाबा। बाबा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? पिपरिया पचमढ़ी जिला होशंगाबाद MP। अभी दर्शन के लिए आप कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी चारों धाम। ये तो नौवीं यात्रा जन कल्याण के लिए। आप जो पहली 8 यात्रा की है उसमें भी आप ऐसा ऐसा घूम घूम के गोल के 8 यात्रा भी ऐसे करिए, नौवीं यात्रा। तो कितना किलोमीटर है वहाँ से यहाँ पर देवी का दर्शन? 2000। आप 2000 किलोमीटर चल के आए हैं? 15 महीना होगा चलत। क्या आपने कोई मन्नत मांगी थी? बेटा जन कल्याण का जाए, विश्व कल्याण। विश्व कल्याण में आप क्या चाहते हैं? बेटा जब रोग परेशानी करोना वरोना भाग जाए, जो देश सुखी रहे, जो है मतलब। आपका जन्म कहाँ का है? मेरा पिपरिया पचमढ़ी जिला होशंगाबाद। आप माता वैष्णो देवी जी कब से आ रहे हैं? मेरे बेटा 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। हाँ। आपका क्या उम्र था उस समय? मेरी उम्र बहुत टाइम पर हुआ, मेरे ख्याल से 35 साल करीब। 35 साल। हाँ। तो पिछले 9 साल से आप घूम घूम के 2000 किलोमीटर आ रहे हैं। हाँ। ये जो आपके साथ हैं ये कौन लोग हैं? ये सब सेवक लोग हैं, भक्त लोग। ठीक है। आपका उधर गद्दी है अपना? हाँ, गद्दी बेटा। मंदिर बन रहा हो, निर्माण हो रहा हो मंदिर को भी। आपके कितने आपके चाहने वाले लोग हैं उधर? बेटा चाहने वाले तो संसार में सब है बेटा। जो आपका बात सुनते हैं? बात सुनवे का सब है बेटा भाई। 1500 आदमी से ऊपर है जो सेवा करते हैं, सनत हैं। वहाँ की कोई मतलब ही नहीं है, न सरकार सहायता न पुलिस सहायता, कुछ नहीं बेटा। आप क्या उपदेश देते हैं जो आपके साथी हैं? बेटा जो उपदेश कहते भाई, जो रास्ता माता रानी भक्ति करो, भगवान को भजन करो, सेवा करो, जहाँ मैं अपन जीवन सुधारा, जय मध्य अपना है, जो जन्म बार बार नहीं मिल रहा, 184 होनी भोग विवाह, जो जन्म मिलो जा बेस्त मत कमाओ, जो उद्देश्य और कमेन। आपको लग रहा है कि आपको कामयाबी मिल रहा है आप जो आप करना चाहते हैं? बेटा मेरे काजे कामयाबी नहीं मिले, देश सुखी रहे, सब परिवार सुखी रहे। मैं कोई मतलब मैं तो नौकरी मोकरी सब छोड़ के बैठा हूँ, लाइन मैन। तो आप किस में लाइन मैन? बिजली में लाइन मैन थे? बिजली में, तो सन 82 में। कितनी देर नौकरी की आप? मैंने 2-3 साल नौकरी करी, बस छोड़ दी। छोड़ने का क्या कारण था? माता रानी को भक्ति में बचपन से मतलब लगाना, मेरी मैया से भक्ति में लीन हो गए। हाँ, बचपन से घर परिवार सब छोड़ दिया मैंने। परिवार भी छोड़ दिया? ठीक है। तो अभी आप खुश हैं? बेटा मैं तो खुश हूँ, सदा खुश रह दूँ, सदा खुशी रहे सब। जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बेटा यही है कि सब भगवान के हिंदू संस्कृत के जागृत का जो कार्यक्रम, सब लोग भगवान के भजन पूजन करें, सुखी रहें। राम मंदिर बन रहा हो वो भी बने, काम चालू है वो चालू बन के जाए। अब माता वैष्णो देवी का मंदिर ही बन रहा हो वहाँ पे जी, पिपरिया में आश्रम बन रहा हो जी, वैष्णो देवी, नोई देवी, गौशाला, वृद्धाश्रम सब बन रहा हो बेटा जी। तो जहाँ में सब भक्त लोग सहयोग करें जी, तन मन धन से जी, तो माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। जय है बेटा। धन्यवाद धन्यवाद। जय माता। जय माता। सर आप कहाँ के रहने वाले? पचमढ़ी पिपरिया होशंगाबाद जिला। आपको माता जी के दर्शन करने आते कितने साल हो गए? हमको 9वीं बार यात्रा कर रहे हैं मेरे, वो गणेशगिरी लोटन बाबा के संगे प्यारे से हैं हम। आप इनके साथ पिछले 9 साल से आ रहे हैं? जी जी जी। तो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा गोल गोल होते हैं, सबके भले के लिए जा रहा हूँ बेटा। पुलिस कछु बेटा साथ देती नहीं है, न महाराज जी को देती, न कहते यात्रा वाले जितने भर निकलते हैं वही अच्छे अपन को चाहते हैं, और पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे बेटा। और महाराज जी हम जब सोच रहे हैं मंदिर बन जाए, उसका निर्माण चल रहा है, वो बन भी रहा है, तो उसको अगर सहायता करे सरकार तो वो और अच्छा ऊपर बढ़ जाएगा मोदी, तो और अच्छी बात है, है? मंदिर तो अयोध्या का बन रहा है, और जो भी वैष्णो माता का मंदिर बन रहा है इसको भी माता अगर करे तो, और सब कृपा उसे की है, ये मेरा कहने का मतलब है। और पुलिस वाले कोई सहायता नहीं करते बेटा। आपको पुलिस वालों से क्या साथ चाहिए? अरे साथ ये है कि कहीं जैसे परेशानी आ रही है, अगल बगल भीड़ है, जैसे बेटा चोरियाँ हो गई, चोरियाँ हो गई तो कोई की सहायता करते नहीं। कहाँ चोरी हो गई? पीछे घरों में दान पेटी चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गए, ये जो आप साथ में ला रहे हैं। हाँ। अच्छा, आज जो आप दर्शन करने जा रहे हैं आपका भी सामान चोरी हो गया? अच्छा अच्छा। पानी को चैम्बर चोरी होगा, पुलिस सब के पिछवाल कोई सुना ही नहीं रहा, कच्चू नहीं कर रहा है। तो क्या आपने किसी को बोला पुलिस वालों को? पुलिस वाले कोई ध्यान नहीं दे, कच्चू नहीं कर रहा। किधर के पुलिस वाले थे? पीछे था घरौंदा की बात है, घरौंदा। अच्छा, घरौंदा कौन सा राज्य में पड़ा? ये पंजाब में ही पड़ा था। अच्छा, आपने बोला था उन्होंने बात नहीं सुनी। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बाराबंकी के रहने वाला हूँ, मेरा नाम दिनेश कुमार है, और मैं पानीपत में फैक्ट्री में काम कर रहा था। मैंने देखा बाबा जी को, मेरा भी इच्छा हो गई माता जी के दर्शन के लिए, और मैंने
चल पड़ा। फिर आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार मेरी यात्रा पहली बार है। बाबा जी को आपने किस जगह पे देखा था वहाँ पर? बाबा जी को मैंने पानीपत में देखा। पानीपत में देखा? हाँ जी। तो आपके अंदर से आवाज आएगा मैं भी दर्शन के लिए जाऊंगा। मैं भी दर्शन के लिए जाऊंगा। तो आपका परिवार वगैरह? परिवार वगैरह सब हमारा घर पे है। घर कहाँ पे रहते हैं वो? घर जिला बाराबंकी में रहते हैं। बाराबंकी। हाँ। आप मेरे को एक चीज बताएं, जैसा तो आपका खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने का कोई ना कोई भक्त लेके आ जाता है, खिला देता है। अगर कोई इन केस कोई नहीं आ सके तो क्या आपने खुद अपने पास राशन रखा है कि आप खा सके? कोई नहीं आएगा तो अपना कोई ना कोई इंतजाम करते हैं, कहीं से मांग के लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। फिर ठीक, माता रानी कहीं से कहीं पहुंचा देती है, ऐसा नहीं है उसका। ऐसे गुना शिवपुरी सब जगह पड़ता है, माता रानी ऐसे भूखे अगर जानवर रहो तो शाम को पहुँचाती, भूखा सजाती नहीं है, भूखा खाली उठाती है माता, बस इतना होता है। मगर इतना है कि पुलिस वालों को सहायता करना चाहिए बेटा, क्योंकि समय जो है ना, पहले जो समय था वो समय कुछ और था, अब समय जो और है। पहले के समय में और आज के समय में क्या फ़र्क आ गया? नहीं, फर्क बहुत है प्रभु, धर्मपुण भी नहीं है अब। पहले धर्म बहुत होता था, अब धर्मपुण की बातें नहीं रही। पहले धर्म जो होता था वो बात आकर आदि नशे में बर्बाद है, ये धर्मपुण में बर्बाद नहीं है। धर्मपुण करते नहीं है, पर बर्बाद नहीं रहे और कायम रहे। ये आदमी जे नशा करता है, ये बेकार है सब, वो तजी थोड़ी पा रहा है भाई। जो कलयुग खारी नाम अधारा समर 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 उतर आ रहा है, मतलब पहले की हवा जो थी ना, शुद्ध भोजन जो है, हर चीज़ का अगर का प्रभाव ऐसा मंदिर महाराज जी का मन रहा है, तो सरकार सहायता करे तो उसका भी भला होगा, उसका भी आत्मा संतुष्ट रहेगी। सरकार कर रहा है मदद, या कोई भी कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या खाते नंबर डरवा, हमको नहीं चाहिए पैसा, मंदिर में लगा दे वो भी ठीक है, और कुछ नहीं है। जय माता दी। ठीक है जी। ये पांचवी यात्रा में जा रहे हैं। गाड़ी नंबर